दोस्तों आज अपन करने वाले हैं अपनी बाइक में साइलेंसर चेंज, जो कि इसमें स्टॉक साइलेंसर डला हुआ है। और अपन आज के और मैं आपको बताऊंगा आज कि आप खुद भी घर पे ही साइलेंसर चेंज कर सकते हो, कहीं मैकेनिक को जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ पे आज बात करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपन को ज़रूरत पड़ेगी किन किन सामानों की, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो अपने को ज़रूरत पड़ेगी 2 तो 10-12 के पाने, और 1 14-15 का पाना, और 1 16-17 का पाना। 3 पानों की ज़रूरत है ये पड़ेगी दोस्तों। उसके बाद जो अपन साइलेंसर, ज़रूरी नहीं है कि कोई यही साइलेंसर हो, आप कोई सा भी साइलेंसर जो आप लगाना चाहते हो उसको भी लेना पड़ेगा। तो ये हैं दोस्तों इंदौरी साइलेंसर, जिसमें फ़िल्टर है, बिल्कुल खाली नहीं है ये, आप देख सकते हो। तो ये इंदौरी साइलेंसर दोस्तों, इसको जयपुर साइड में बहुत सी जगहों पर नीमत साइलेंसर भी बोला जाता है। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो बुश जो BS3 है उसमें तो इस बुश की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर BS4 बाइक है या BS6 बाइक है तो उसमें इस बुश की ज़रूरत पड़ेगी। इसको अपन लगाएंगे साइलेंसर में जब जाके अपने बैंड पाइप में सेट हो जाएगा। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और लास्ट में आपको इस साइलेंसर का साउंड भी मैं सुनाने वाला हूं दोस्तों, तो अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहां पे एक बोल्ट है नीचे, नट और बोल्ट जो देख सकते हो आप, ये जो आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले तो अपन इसको करेंगे ढीला। इसमें लगेगा 10-12 का पाना। तो ये बिल्कुल लूज होना हो जाने के बाद देखो दोस्तों, ये बिल्कुल लूज हो चुका है। उसके बाद अपन खोलेंगे इस वाले बोल्ट को। तो इसमें अगर आपके पास जो भी पाना है, रिंग है या फिक्स है, तो उसको लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों ये खुल चुका है अपना बोल्ट। उसके बाद इसको पूरा बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों ऐसे इसको पकड़ के साइलेंसर को, और थोड़ा यूं अगर यूं राउंड राउंड अपन घुमाएंगे धीरे धीरे से, तो ये देखो बाहर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों साइलेंसर अपना आ चुका है बाहर। तो और अगर दोस्तों, अब अगर आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो साइलेंसर अपन इसमें चेंज करने वाले हैं, तो इसमें फिटिंग है इस टाइप की। और दोस्तों जो जैसे लॉन्ग पंजाब वगैरह ये साइलेंसर आते हैं तो वो इसी डिज़ाइन में होते हैं, इतने लंबे साइलेंसर होते हैं, तो उसमें दोस्तों इस टाइप की फ़िटिंग नहीं आती। ये जो साइलेंसर, ये फिट होगा अपने इसमें, जो फुट रेस्ट है पीछे वाला, इसके अंदर अपन इसको टाइट करेंगे, जिससे ये लेगा नहीं। लेकिन जो लॉन्ग पंजाब वगैरह जो भी साइलेंसर है दोस्तों, तो उनमें मिनी पंजाब में भी बहुत से में मॉडल में ये वाली फिटिंग आती है। तो ये वाली पत्ती यहाँ से खोल लेंगे दोस्तों अपन, इसमें 14-15 का पाना लगेगा। ये पत्ती खोल के उस साइलेंसर में सेट कर लेंगे, और जैसे अपन ने खोला ऐसे कैसे इसको वापस लगा देंगे। तो अभी अपन तो करते हैं इसको तो सेट, तो इसको रखते हैं अपन साइड में। अब इसके लिए दोस्तों सबसे पहले अपन को ज़रूरत पड़ेगी बुश की। अगर अपन ये बुश नहीं लगाएंगे तो ये देखो आप, बिल्कुल इसमें ये बिल्कुल फ्री रहेगा ये बिल्कुल। तो इसके लिए दोस्तों अपन ये जो बुश है इसको डालेंगे फ्रंट मुंह में, जहाँ से अपन को बाइक में इसको डालना है। इसके लिए अपन को इसमें रख के और इसमें हल्का सा किसी भी चीज़ से इसमें डालेंगे। तो देखिए ये बिल्कुल कवर हो चुका है, यहाँ तो पूरा इसके अपने को शेप इसमें लेना है। उसके बाद दोस्तों अब देखिए दोस्तों, अब देखो आप बुश डाल के अपन ने साइलेंसर थोड़ा सा इसमें अंदर डाल दिया है। अब सबसे पहले अपन खोलेंगे इसको फुट रेस्ट को, क्योंकि इसकी फिटिंग आएगी इसके अंदर। तो इसको अपन ढीला करके थोड़ा सा और इसको घुमा के अपन खोल लेंगे। अब अपना ये खुल चुका है, तो अब और इसमें एक वाशर निकलेगा दोस्तों। अब इसको अपन डाल देंगे अंदर।
तो अपन को ये चीज़ देखनी है दोस्तों कि नीचे से ये पूरा फिक्स आना चाहिए, तो इसको मैं अंदर डाल देता हूँ पूरा, ताकि बिल्कुल और अपनी फिटिंग भी सही रहे। तो दोस्तों साइलेंसर अपन ने पूरा अंदर डाल दिया है, लेकिन दोस्तों इसमें जो अपने पहले वाला साइलेंसर था जो, तो इसके अंदर यहाँ का जो बोल्ट है दोस्तों ये है, इसमें ये जो पहले अपन ने यहाँ का नट खोला था नीचे से, तो इसका छेद है छोटा दोस्तों, तो ये इसमें लगेगा नहीं, ये पहले वाला नट बोल्ट है जो, तो इसको अपन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से इसको बोली से ऐसे ही छोड़ देंगे तो भी यहाँ से एयर नहीं निकलेगी। उसके बाद दोस्तों अब ये देख सकते हो आप कि इसकी फिटिंग इस फुटरेस्ट के अंदर है, तो अपन फुटरेस्ट को डाल देंगे, फुटरेस्ट को डाल के, और जैसे अपन ने खोला था इसको वैसे इसको अपन टाइट कर देंगे, पहले जहाँ तक ये हाथ से होगा वहाँ तक हाथ से टाइट कर देंगे। उसके बाद ये जो दोस्तों ये दिख रहा है पॉइंट, इसको अपन नीचे रखेंगे, इसको नीचे रखेंगे ताकि ये ऊपर नीचे होने में दिक्कत नहीं आए। उसके बाद इसको पाने से टाइट कर देंगे, इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे ताकि अपना साइलेंसर इससे हिले नहीं। अब ये अच्छी तरह टाइट हो गया है दोस्तों, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसकी, अपन बोली से कैसे भी चलाएं बाइक को ये हिलेगा नहीं। उसके बाद जो ये वाला बोल्ट अपन ने यहाँ से खोला था, तो अभी यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं लगा रहे अपन, अगर लॉन्ग पंजाब साइलेंसर होता तो उसमें वो की वही फिटिंग यहाँ पे आ जाती, तो इसको अपन कर देंगे वापस टाइट, ताकि अगर इमरजेंसी में कोई बार अपन साइलेंसर चेंज करेंगे तो वापस ये काम आ जाएगा। तो इसको भी अपन वापस टाइट कर देंगे, इसको ज़रा टाइट भी नहीं करेंगे अपन। तो इसमें दोस्तों अपना साइलेंसर हो चुका है फिट, और अपन अब सुनते हैं इसका साउंड कि कैसा आता है। तो इस टाइप से आप दोस्तों साइलेंसर घर पे ही चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें परेशानी वाली या ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो करते हैं अपन बाइक को स्टार्ट, कैसा लगा दोस्तों आपको साउंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों साउंड सुनने से पहले ईयरफोन ज़रूर लगा लें, ताकि आपको बिल्कुल रियल साउंड सुनाई देगा, ऐसे तो आपको सही से साउंड का पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।